हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शंस। प्रोडक्शन फंक्शन में आज हम जो पढ़ेंगे वो है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो बेटा, जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, इसके में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? फैक्टर्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा फिक्स फैक्टर और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। फिर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स क्या हैं, और फिर हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि कितनी तरह के हमारे रिटर्न होते हैं। फिर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, इसकी क्या अजम्पशंस हैं, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, और हम इस लॉ का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि जो लॉज है रिटर्न्स टू अ फैक्टर वो क्या होता है, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है, कॉन्स्टेंट लॉ रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है। उसके बाद उनसे रिलेटेड सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर एंड में हमारे क्या आ जाएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्शन। देखो बेटा, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल से, ठीक है, जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन इज दस एन एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल कच्चा माल, टू आउटपुट्स, आउटपुट का मतलब यहाँ पे फिनिश गुड्स से है जो हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे, थ्रू प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को किस में चेंज करते हैं, फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं। जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने इन हम दो के बारे में पढ़ेंगे, एक होते हैं हमारे फिक्स फैक्टर और दूसरे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स। बात कर लेते हैं हम फैक्टर्स कितनी तरह के होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स हम दो तरह के लेके चलते हैं, एक होता है हमारे फिक्स फैक्टर और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, वेरिएबल फैक्टर। देखो बेटा, जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, और फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं, जो एक निश्चित टाइम के लिए क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जब हम बार बार प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उन फैक्टर्स को बार बार चेंज करते रहते हैं, बट जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं, द फैक्टर्स ऑफ विच इनपुट इज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग शॉर्ट रन इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते। फिर से देखो इसकी डेफिनेशन, द फैक्टर ऑफ विच इनपुट इज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग शॉर्ट रन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शॉर्ट रन, यानी कि छोटे समय में जो फैक्टर्स चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल, कैपिटल यानी कि जो ऑनर अपना पेमेंट लगाता है, पैसा लगाता है, ठीक है, क्योंकि एक बार आपने बिजनेस में लगा दिया तो ऐसा तो नहीं बार बार निकालते रहोगे डालते रहोगे, नहीं, ठीक है। उसके बाद लैंड, जो आप एक बार परचेज कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये हमारे कौन से होते हैं, फिक्स फैक्टर, जो शॉर्ट टाइम में बिल्कुल चेंज नहीं होते। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, द फैक्टर ऑफ विच इनपुट्स कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज ड्यूरिंग शॉर्ट रन इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे आपकी वो बोलते हैं कि प्रोडक्शन चेंज होता रहेगा, इनपुट चेंज होती रहेगी तो वो भी चेंज होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल की, तो अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है आपको, आप प्रोडक्शन कम करते हैं तो आपका रॉ मटेरियल आपको कम चाहिए होता है। ऐसे ही सेम लेबर के साथ है, अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा लेबर की जरूरत होगी, और आप कम करते हैं तो कम लेबर की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन का वैसे नॉर्मली मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए, क्या मतलब होता है शॉर्ट रन का, शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो शॉर्ट रन कैन बी इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज अ मंथ और अ ईयर। तो हम मोस्टली क्या मान के चलते हैं कि जो शॉर्ट रन होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, विद इन अ ईयर, यानी कि एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। सो दस वी डिफाइन शॉर्ट रन एज अ पीरियड वेयर देर इज अ एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज फिक्स्ड। तो हम क्या मान के चलते हैं कि शॉर्ट रन में कम से कम एक फैक्टर जो होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है। जैसे मान रहे हैं हम कि हमारे पास मशीनरी है और रॉ मटेरियल है जिसके जरिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं मशीन के जरिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मशीन हमारी क्या हो गई, वो हमारी फिक्स एसेट हो गई, और जो रॉ मटेरियल हो गया वो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर हो गया, ठीक है। तो जो फिक्स फैक्टर है हमारा, तो इसमें बोला है ना अभी कि शॉर्ट रन में क्या होता है, कम से कम एक फैक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो इसमें हमारा फिक्स क्या हो जाएगा, मशीनरी, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं लॉन्ग रन की। जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे ही फैक्टर्स, चाहे वो फिक्स ही क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल चेंज हो जा में चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम 10 साल 20 साल की बात करें, क्योंकि वो लॉन्ग रन में काउंट होते हैं, तो क्या होगा, हम मशीनरी भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, हम प्लांट भी हो सकता है और कोई और परचेज कर लें, तो इसमें क्या होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं फिक्स फैक्टर, वो भी क्या हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भी हम चेंजेस करते हैं। तो लॉन्ग रन की बात करें, बाय लॉन्ग रन वी मीन अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच अ फर्म हैज़ मच टाइम टू रेज द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब उसके पास बहुत सारा टाइम होता है ताकि वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर सके। बाय इंक्रीजिंग ऑल इनपुट, ऑल इनपुट मतलब जितने भी यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हम दो मान के चलते हैं, कौन से, फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है, तो इन दोनों को ही वो चेंज कर सकती है, तो सच एज बिल्डिंग मशीनरी, लेबर, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो वहाँ पे सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं, बट जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक फिक्स फैक्टर होता है और दूसरा हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है। अब बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट वो चीज़ होती है, गुड्स और सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात, फिनिश गुड्स जो होती है वो हमारी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्लियर, तो जो प्रोडक्ट होता है वो हम बात करते हैं कि तीन तरह से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है हमारा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, फिर है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और फिर है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। तो बात करें कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो टोटल अमाउंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड मान के चल रहे, अगर वन ईयर मान के चल रहे, तो वन ईयर में हमने जितना टोटल प्रोडक्शन किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, टोटल प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बोलें, मान के चलो अगर हमें वन मंथ को, वन ईयर का निकालना है कि हमने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, तो वन मंथ में अगर 5 किया है, 2 मंथ में हमने 7 किया, 3 मंथ में हमने 8 किया, तो आप ऐड करते चलेंगे, 5 कर देंगे, 7 कर देंगे, 8 कर देंगे एंड सो ऑन, तो जितना आपका लास्ट में निकल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वन ईयर का टोटल प्रोडक्ट। अब बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो बेटा देखो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कहने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल फैक्टर्स अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उसमें भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो अगर पहले हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था वो 2000 यूनिट्स था और हमने क्या किया, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया, मान के चले हमने रॉ मटेरियल और इंक्रीज कर दिया थोड़ा सा, और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट था वो 2200 हो गया है, तो जो चेंज आया पहले कितना था 2000 यूनिट्स, अब हमारा हो गया 2200 यूनिट्स, तो जो चेंज आया है 200 का उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का वैसे फॉर्मूला होता है TPN - TPN-1। तो ये जो हमारा है, ये हमारा 2200 हो जाएगा TPN और ये हमारा हो जाएगा TPN-1। तो अगर हम 2200 में से 2000 माइनस कर देंगे तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 200 यूनिट्स। उसके बाद बात कर लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट की। देखो बेटा वर्ड क्या है, एवरेज, एवरेज वैसे हम नॉर्मली भी निकालते होते हैं कि एवरेज क्या होता है, हम इसमें डिवीजन करते हैं, अपॉन में लेके निकालते हैं ना वैल्यूज, ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट। जब हम पर यूनिट की बात करें हैं तो डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट इज पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज, यानी कि आपने जो वेरिएबल फैक्टर्स यूज किए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल होता है, लेबर होता है, उनके थ्रू आप पर यूनिट कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोडक्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्शन बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स यूज। कहने का मतलब ये है, जितने आपने वेरिएबल फैक्टर्स यूज किए हैं और उस वेरिएबल फैक्टर्स के जरिए जितना आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ है, अगर हम उनको डिवाइड कर देते
लेते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एवरेज प्रोडक्ट। तो देखो AP इज इक्वल टू TP यानी कि टोटल प्रोडक्शन जितना हमने प्रोड्यूस करा है अपॉन में L। L यहाँ पे मतलब है वेरिएबल फैक्टर्स जितने आपने यूज़ किया है, वो L हमारा लेबर भी हो सकता है, रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एवरेज प्रोडक्ट इज TP टोटल प्रोडक्शन अपॉन में L, ठीक है। अगर हम मान के चलें कि हमारा टोटल प्रोडक्शन 50 यूनिट्स का हुआ है और जो L है हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो 5 है, तो अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा कितना निकल आएगा, 10 यूनिट्स। अगर हम इस टेबल की बात करें तो देखो बेटा इस टेबल में सब कुछ क्लियर हो रहा है कि यूनिट्स ऑफ लेबर है, देखो ये हमारे क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि लेबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ लेबर हो गए हमारे, रॉ मटेरियल हो गए हमारे, क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स। फिर बात करें टोटल प्रोडक्शन की, तो देखो बेटा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक लेवल तक दिख रहा होगा आपको कि टोटल प्रोडक्शन 1 यूनिट पे 10 था, फिर 2 पे 18 था, ये हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्शन। फिर बात करें एवरेज प्रोडक्शन की, तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। अगर आप देखो 18 को 2 से करें तो 9, 24 को 3 से करें तो 8, 28 को 4 से करें तो 7। इस तरह से हमारा क्या निकल गया है, एवरेज प्रोडक्ट। अब बात कर लें मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो हम देखो TPN-1 का फॉर्मूला लगा रहे हैं। शुरू में तो कुछ आया नहीं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, बट जब हम सेकंड यूनिट पे निकालेंगे लेबर की, तो 18 जो हमारा टोटल प्रोडक्शन था अब कितना है, 18, और पहले कितना था, 10, तो चेंज कितने का आया, 8 का, ठीक है। अगर हम थर्ड यूनिट में देखें तो अब कितना हो रहा है, 24, पहले कितना था, 18, चेंजेस कितने आए हैं, 6 यूनिट का। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो और आप इससे अच्छे से समझ पाएँ कि प्रोडक्शन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है और इनको किस तरह से हम डिराइव करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।